और विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हो। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सोनी। आज हम पढ़ेंगे लोकोक्तियों के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब्स। आपने अभी तक मुहावरे किए हैं। आज नया उपविषय करेंगे, लोकोक्तियाँ। ठीक है, परिभाषा है, वास्तव में लोकोक्तियाँ भाषा में विशेष प्रभाव डालती हैं। लोगों में प्रचलित कहावतों को ही लोकोक्तियाँ कहा जाता है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है लोगों में प्रचलित उक्ति। उक्ति होती है कहावत, भी इसे कहावत भी कहा जाता है। ये लोगों के जीवन के अनुभव को प्रकट करती है, मतलब उनके जीवन के जो एक्सपीरियंस है उनको दर्शाती है। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, चलिए अब जानते हैं। मुहावरे, जिसको हम आइडम्स कहते हैं इंग्लिश में, और लोकोक्ति, जिसको हम प्रवर्ब कहते हैं। ओके, अब इसमें देखते हैं। मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता। उद्देश्य सब्जेक्ट को कहते हैं, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं हम, और विधेय मीन्स प्रेडिकेट, नहीं होता। जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। जैसे देखिए मुहावरा, एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण हाथ फैलाना, ये हुआ मुहावरा। लोकोक्ति में है चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए यहाँ पे चोर जो है सब क्रिया करने वाला उद्देश्य है, मीन्स करता है, और बाकी की लाइन जो क्या है कि दाढ़ी में तिनका, ये पूरा क्या है विधेय। ठीक है, अब दूसरा इसका अंतर जानते हैं। अगर वाक्य के अंत में के क्रिया में ना जुड़ा हो तो वो मुहावरा होगा, अगर ना नहीं जुड़ा हो तो वो क्या होगी, लोकोक्ति होगी। ठीक है, अगर कोई अंत में संज्ञा है या विशेषण है तो उसमें ना जुड़ा होगा तो क्या होगा, वो मुहावरा नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया जिसके लास्ट में ना जुड़ा हो, पर वो ना किस में जुड़ा होना चाहिए, क्रिया में, मीन्स एक्शन वर्ड में। ये हम इसमें थर्ड पॉइंट में जो है वो बता रही हूँ मैं आपको, कि अगर लास्ट में ना जुड़ा हुआ हो, मीन्स किसके साथ, संज्ञा और विशेषण के साथ अगर ना जुड़ा हुआ होगा तो वो क्या होगा, लोकोक्ति होगी, मुहावरा नहीं होगा। मुहावरे के अंत में जो क्रिया शब्द होता है, मीन्स जो एक्शन वर्ड होता है लास्ट में सेंटेंस के, उसे वाक्य बनाते समय बदल कर लिखा जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि 9 2 11 होना, मुहावरा तो यही होता है ना, होना, पर हम जब वाक्य बनाते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे चोर को देखकर, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हो गया। ठीक है, चलिए अब इस जो आपको मैंने एक पहचान बताई है इसमें ना वाली, उसमें कुछ अपवाद भी हैं, मीन्स कुछ जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उसमें अगर लास्ट में ना आ जाता है तो वो लोकोक्ति होगी। जैसे मैंने बताया आपको, विशेषण और संज्ञा के साथ अगर ना आता है तो वो लोकोक्ति होगी, ना कि मुहावरा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, थोथा चना बाजे घना, घना क्या है, विशेषण है, विशेषण के साथ क्या आया है, ना आया है, तो ये क्या हुई, लोकोक्ति हुई। ठीक है, जब तक जीना तब तक सीना, इसमें सीना क्या वर्ड है, संज्ञा, संज्ञा के साथ क्या आया है, ना। दूर का ढोल सुहावना, सुहावना मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे विशेषण हुआ, विशेषण के साथ यहाँ पर क्या आया है, ना आया है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हुई, लोकोक्तियाँ हुई। ठीक है, कुछ प्रचलित मीन्स प्रसिद्ध हैं, कुछ लोकोक्तियाँ हैं, जैसे ये देखिए नीचे दी हुई है मैंने लोकोक्तियाँ और अर्थ। इनके अलावा भी आपकी जो बुक है व्याकरण की, उसमें भी लोकोक्तियाँ दी हैं, उनको भी आपने याद करना है। ठीक है, और ये लोकोक्तियाँ अपने आप में संपूर्ण वाक्य ही होती हैं। मुहावरे में, मुहावरे जो होते हैं वो संपूर्ण वाक्य नहीं होते। ठीक है, अब हम इसकी उदाहरण देख लेते हैं। ये लोकोक्तियाँ हैं, ये इनके अर्थ हैं। लोकोक्ति, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, परमात्मा जिसका रक्षक है उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, ये इसका अर्थ है, ये लोकोक्ति है। ठीक,
ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ क्या है, जिसमें शक्ति होती है उसका प्रभाव रहता है, मीन्स जो ज्यादा शक्तिशाली होता है उसी का प्रभाव होता है। आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब ये होता है अगर कोई एक मुसीबत से निकलता है तो दूसरी जगह जाता है तो वहां पर भी उसको मुसीबत मिले, मीन्स इसका अर्थ दोनों और विपत्ति होना, विपत्ति मैंने संकट होना, ठीक है। आगे इसमें आते हैं एक और एक 11 होते हैं, मीन्स एकता में बड़ा बल होता है। पांचवें नंबर पे है गागर में सागर, मीन्स छोटी सी चीज में बहुत बड़ी बड़ा ज्ञान होना, जैसे पांचवें नंबर पे इसका अर्थ दिया हुआ है विस्तृत, मैंने बहुत बड़ी चीज को विषय को संक्षेप में ने शॉर्ट में करना, ठीक है। आपने इन लोकोक्तियों और इसकी परिभाषा को अपनी कार्यपुस्तिका में लिखना है और याद करना है, बाकी आपने अपनी व्याकरण की बुक में से भी याद करनी है।